सेना की जमीन के घोटाले में गिरफ्तार किए जा चुके छवि रंजन हुटवार जेल भेजे जा सकते हैं। शुक्रवार की सुबह 11:15 के करीब छवि रंजन की पत्नी और मेडिकल की टीम डॉक्टरों के साथ ईडी ऑफिस पहुंची। इसके बाद छवि रंजन का मेडिकल चेकअप किया गया। टीम के डॉक्टर राजेश कुमार जायसवाल ने उनकी स्वास्थ्य की जांच करते हुए पाया कि आईएएस छवि रंजन को स्वास्थ्य से जुड़ी कोई दिक्कत नहीं है, न तो उन्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी है और न ही कोई और परेशानी। इससे पहले गुरुवार की रात ही जमीन घोटाले मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड कैडर के आईएएस और रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को गिरफ्तार कर लिया। आईएएस छवि रंजन पर जमीन कब्जे को लेकर कई साक्ष्य मिले थे, जिसे लेकर ये कार्रवाई की गई है। ईडी की जांच में आईएएस छवि रंजन पर लगे आरोप सही पाए गए हैं। ईडी को उनके खिलाफ कई अहम साक्ष्य मिले, जिसके बाद यह कार्रवाई ईडी की तरफ से की गई है। छवि रंजन को जिन मामलों में गिरफ्तार किया गया है, उनमें उन्हें न सिर्फ सेना की जमीन बल्कि हेलंचल, चेशायर होम सहित अन्य जमीनों के फर्जीवाड़े में शामिल पाया गया है। मामले में पहले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। जांच करने आया था, किसका? स्वास्थ्य जांच करने में आया था छवि रंजन जी का। मैंने स्वास्थ्य जांच किया, थोड़ा आईडी नीचे कर रही। क्या क्या जांच की? उनका टेम्परेचर देखे, पल्स देखे, ब्लड प्रेशर देखे। ब्लड प्रेशर कितना था? मोबाइल ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा था, शुरू में 110 आया, उसके बाद 130 आया। थोड़ा बहुत कोई खास नहीं, थोड़ा चिंतित है उनको, थोड़ा तो चिंतित रहता ही है। असामान्य जगह में आए हैं तो थोड़ा चिंतित रहेंगे ही। मेंटली और फिजिकली फिट है वो? और मेंटली एंड फिजिकली 100% फिट है। चेस्ट भी देखे, हार्ट भी देखे, सब कुछ नॉर्मल। दिल का धड़कन बढ़ा हुआ है, कभी कभी बढ़ ही जाता था। अभी क्या बोले, रेस्ट चाहिए? हाँ, रेस्ट चाहिए, पहले उनको रेस्ट चाहिए आज, उसके बाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।